हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस सीरीज में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी स्पेशल सीरीज का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है, तो मैं उनसे कहूँगा वो जाकर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखें, क्योंकि यूपी से रिलेटेड 90% इन्फॉर्मेशन आपको उन दोनों पार्ट्स में मिल जाएगी, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, पूरा मैप बेस्ड समझाया गया है। तो आज हम इस सेशन में या इस वीडियो में पार्ट थर्ड में क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग जनगणना यानी सेंसस पढ़ेंगे। 2011 में जो जनगणना हुई थी, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में जनगणना से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेंसस स्पेशल वीडियो। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जनगणना 2011। तो देखेंगे यहाँ पर जरूरी जरूरी क्या इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं। तो यूपी की 2011 में जनगणना क्या थी, जनसंख्या क्या थी, तो 19.98 करोड़ यानी 19.98 करोड़ जनसंख्या थी। और दशकीय वृद्धि दर यानी 10 साल में प्रत्येक 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, इस 10 साल में 2001 से 2011 के मध्य कितनी जनसंख्या बढ़ी, तो कितनी बढ़ी, 20.2% जनसंख्या बढ़ी। जनघनत्व यानी एक वर्ग किलोमीटर में लोग कितने, एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उनको क्या क्या कहते हैं, जनघनत्व कितना है, वो 829 है। और लिंगानुपात कितना है, 912 प्रति 1000, यानी 1000 लोगों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 912 है। चलिए आगे देखते हैं, साक्षरता, साक्षरता यानी एजुकेशन यानी लोग लिटरेसी, लिटरेसी यहाँ पर कितने लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ पर कितनी साक्षरता है। तो टोटल साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 67.7%, और उसमें से अगर बात करें तो कितने मेल एजुकेटेड हैं यानी कितने पुरुष साक्षर हैं, यानी पुरुष साक्षरता कितनी है, मेल लिटरेसी कितनी है, 77%, और फीमेल लिटरेसी कितनी है, 57.2%। अब आप इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिंगानुपात क्या है, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है ये देखा जाता है। तो महिलाएं 912 और पुरुष 1000, तो यानी पुरुष ज्यादा है इसलिए, तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुष साक्षरता कितनी है, यहाँ पर 77%, बिल्कुल यहाँ पर पुरुष ज्यादा है तो पुरुष साक्षरता ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा ही होगी। और यहाँ पर फीमेल लिटरेसी कितनी है, 57.2%, यानी कम है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 57% दिया गया हुआ है, आप 0.2 को हटा दें अगर, तो यहाँ पर देखिए 57%, 77%, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 67%, यानी 57, 67, 77, 10-10 का अंतर होता है। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं, यानी पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा 77%, महिला साक्षरता 57%, और टोटल साक्षरता की अगर बात की जाए तो 67%। आप इसको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। और देखते हैं सब सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, चार सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले या डिस्ट्रिक्ट हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, महोबा की। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, अधिकतम जनसंख्या वाले जिले, अगर इलाहाबाद का आप ई ले लीजिए, मुरादाबाद का एम ले लीजिए, गाजियाबाद का जी ले लीजिए, और आजमगढ़ का ए लिख दीजिए। अब इनको आपको रीअरेंज करना है, यानी आप अगर रीअरेंज करके इसको अगर ऐसे लिख लेंगे, मेगा यानी मेगा मतलब बहुत बड़ा, यानी ई से आप क्या बना लेंगे, ई से बना लेंगे आप इलाहाबाद, एम से बना लेंगे मुरादाबाद, जी से गाजियाबाद, और ए से आजमगढ़। इस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि मेगा, मेगा मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी बहुत जनसंख्या। अब बस आपको थोड़ा हल्की सी इमेज और बनानी कि कौन सा अक्षर या कौन सा सिटी या कौन सा जिला पहले आएगा, कौन सा जिला बाद में आएगा। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, आप देख रहे हैं तीनों तीनों के नाम के पीछे, तीनों जिलों के नाम के पीछे बाद 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 भी आ रहा है। तो यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसे कौन सी तीन जिले हैं जो पहले आएंगे जिसमें बाद बाद आ रहा है, जैसे इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगे क्या, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, महोबा की है। तो मेगा आप जब लिखेंगे तो एम बनेगा ना स्टार्टिंग में, एम लेटर बनेगा, तो एम से आप महोबा भी याद रख सकते हैं आसानी से। और आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है सर्वाधिक दस की वृद्धि दर, यानी 10 साल में दस की वृद्धि, 10 साल के दर वाले जिले जिसमें मतलब सर्वाधिक दस की वृद्धि, सर्वाधिक 10% 10 साल में जनसंख्या बढ़ी, कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दोनों गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद दोनों एनसीआर में आने वाले जिले हैं। और न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम दस की वृद्धि दर कानपुर नगर की बढ़ी हुई है, यानी 10 साल में सबसे न्यूनतम जनसंख्या कानपुर नगर की बढ़ी हुई है। आगे देखते हैं,
आगे क्या है, सर्वाधिक जनघनत्व यानी डेंसिटी, यानी सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत रविदास नगर। आप इसको ऐसे याद रखते हैं, एक संत रवि नाम के एक पुरुष थे, महर्षि थे या महात्मा थे, जो लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में रहते थे। और गांव उनका कौन सा था, गांव से गाजियाबाद से गांव वाराणसी, गाजियाबाद से गाजियाबाद वाराणसी, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और न्यूनतम डेंसिटी किसकी, ललितपुर की, ललितपुर की, ललित नाम का एक लड़का था, वहां पर सबसे गांव सबसे कम लोग रहते थे उसके गांव में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का। आगे देखते हैं सर्वाधिक लिटरेसी, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। और न्यूनतम श्रावस्ती, क्योंकि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए न्यूनतम, मिनिमम लिटरेसी, न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, श्रावस्ती की। आगे देखते हैं, आगे क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन कौन से जिलों का है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। कौन किस किस किसका है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। एक रिया नाम की लड़की थी जो प्रताप नाम के लड़के से जिसकी शादी हुई है, तो कहाँ रहते थे, रिया रहती थी जौनपुर में और प्रताप रहता था आजमगढ़ में। तो इस तरीके से आप एक रिलेशन बनाकर आप उसको याद कर सकते हो। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का है। आगे देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, बल है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ का है, बलरामपुर का है। देखिए राम राम आना बलराम, यानी एक लड़के का नाम आ रहा है ना, तो यानी शिशु लिंगानुपात चाइल्ड का एक नाम है, बलराम हो सकता है। तो एक ऐसे आप याद सकते हैं, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बलरामपुर और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत का है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, यानी सबसे ज्यादा लोग ग्रामीण कहाँ है, किस जिले में है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी जिले में है, इलाहाबाद। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद। और सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। जी, गौतम बुद्ध नगर में है। चलिए देखते हैं आगे क्या है, आगे अनुसूचित जाति यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट के लोग की जनसंख्या कहाँ पर है, तो कहाँ है, सीतापुर में। और न्यूनतम शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बागपत में है। कहाँ है, बागपत में। और आगे देखते हैं ST यानी ST और SC कहाँ है, सॉरी माफ कीजिएगा, मैक्सिमम ST एंड मिनिमम ST जनसंख्या कहाँ पर है, तो मैक्सिमम ST यानी शेड्यूल ट्राइब सोनभद्र में और मिनिमम शेड्यूल ट्राइब बागपत। आप देख रहे हैं यहाँ पर SC और ST दोनों की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बागपत में। SC और ST की न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, बागपत में, आप देख सकते हैं आसानी से। आगे देखते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, यानी सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, लोग नगरों में ज्यादा रहते हैं, कौन कौन से हैं, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा। बड़े बड़े शहर हैं सभी उत्तर प्रदेश के, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा। और न्यूनतम श्रावस्ती, बिल्कुल सर्वाधिक न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर, नगरों में बहुत कम लोग होते हैं, अधिकतर गाँव में ही रहते हैं, तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर, अब नगर की बात कर रहे हैं, तो नगर कौन कौन से, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। अगर आप सोच रहे होंगे इतने जिलों का ढेर सारा नाम, जिलों का कैसे याद रखेंगे, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में कहा था कि आपको मैप बुक का यूज करना है, क्योंकि आप मैप बुक का यूज इसलिए आप करें क्योंकि आप सब जब आप सभी जिलों को ढूंढेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ढूंढेंगे अपने मैप में, तो आप बिल्कुल एक इमेज बनती जाएगी। अच्छा, मैंने इसको ढूंढा था तो ये कहाँ था, अच्छा मैंने इसको ऐसे ढूंढा था और ऐसे था ये, तो मैंने इसको ऐसे, आप इसको एक इमेज बन जाएगी आपके माइंड में, जो आपके सभी चीजों को बहुत ही आसान बना दी। इसलिए मैंने मैप पे बहुत ज्यादा जोर दिया, मैप बेस्ड ही पढ़ाई करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, 77.7% जनसंख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, यानी गांव में। अभी भी गांव में देख सकते हैं आप कितनी जनसंख्या रहती है, 77.1%, केवल 22.3% जनसंख्या ही नगरों में रहती है, यानी बहुत से लोग हैं जो अभी भी बहुत खेती कर रहे हैं, यानी गांवों में रह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये था उत्तर प्रदेश जनसंख्या से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। और मेरा ये भी पार्ट जनसंख्या का इसी यही उद्देश्य था कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए जनसंख्या से आपका छूटे नहीं। तो यूपी स्पेशल सीरीज का ये पार्ट थर्ड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल से इसको आप लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आया है तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। और अगर
पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली श्योर सब्सक्राइब करें, और हमारे डेली अपडेट्स और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।